हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की जयंती को चिन्हित करने के लिए विश्व स्तर पर विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। सैमुअल हैनेमन का जन्म जर्मनी में हुआ था। वह चिकित्सक होने के साथ साथ महान भाषाविद और उत्कृष्ट वैज्ञानिक भी थे। विश्व होम्योपैथी दिवस केवल डॉक्टर हैनेमन की जयंती के लक्ष्य में ही नहीं मनाया जाता, बल्कि होम्योपैथी को आगे ले जाने की चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों को समझने के लिए भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य चिकित्सा की इस प्रणाली के बारे में उत्सुकता पैदा करना और सभी तक इसकी पहुंच की सफलता दर को आसानी से बेहतर बनाना है। विश्व होम्योपैथी दिवस समुदाय की चिकित्सक की प्रणाली को स्थापित करने, सुदृढ़ करने और आधुनिकीकरण करने के लिए एक साथ लाने का प्रयास करना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। हम इस महान व्यक्ति के असाधारण और अविश्वसनीय जीवन के कुछ हिस्से का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब कैसी तबीयत है आपकी जॉन? सर अभी तो ठीक है, पर जब मैं दवाई लगाना बंद कर देता हूँ ना, तब मुझे दोबारा हो जाता है। इसका कोई ऐसा इलाज नहीं कि मुझे दोबारा ना हो? जॉन अभी तक तो ऐसी कोई दवाई नहीं जिससे ये तुम्हें दोबारा ना हो, इसलिए जब भी हो तब तब ये दवाई लगानी होगी। ठीक है सर, अब जब होगा तब वापिस आऊँगा। फिर हैनेमन सर अपने घर जाते हैं। आगे वो और उनकी पत्नी के बीच क्या बात हुई वो आगे देखते हैं। ये सब क्या है? आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, फिर आपने छोड़ क्यों दिया? मैं बहुत असंतुष्ट हूँ इस तरह की पद्धति से। ऐसे तो क्या हो गया आप इतने लोगों को ठीक करके भी असंतुष्ट हो? क्योंकि मैं लोगों को ठीक तो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी है जिसमें दर्दियों को मुझे हर बार दवाइयाँ देनी पड़ती है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे दर्दियों की तकलीफ और बढ़ जाती है, जैसे कि ब्लड लेटिंग, लीचिंग, कपिंग और कई सारी दवाइयों को अधिक मात्रा में लेना। घर चलाने के लिए पैसे तो लगते हैं, ऐसे आप काम छोड़ दोगे तो घर कैसे चलेगा? मुझे कई सारी भाषाओं का ज्ञान है, मैं भाषाविद बन जाऊंगा। उसके बाद हैनेमन सर अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था, उसके आधार पर उन्होंने मेडिकल की किताबों का अलग अलग भाषा में रूपांतरण करते थे। उस दरमियान जब सर पुलेंस पंड्रे मेडिका नामक किताब का रूपांतरण इंग्लिश टू जर्मन में कर रहे थे, तभी एक कथन ने उन्हें रोक लिया। यह कुलंस मटेरिया मेडिका में लिखा है, सिंकोना बाग से मलेरिया ठीक होता है, और वही सिंकोना बाग किसी स्वस्थ इंसान को दिया जाए तो वह मलेरिया जैसे लक्षण उत्पन्न करता है। फिर 6 साल बाद 1796 में हुफलेन जर्नल वॉल्यूम 2 के पार्ट 3 में इनका आर्टिकल एन एसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर एसर्टेन द क्यूरेटिव पावर ऑफ अ ड्रग विद सम एग्जांपल ऑफ प्रीवियस प्रिंसिपल पब्लिश्ड हुआ था, जिसमें उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर मतलब लाइक्स क्योर लाइक्स अभी तक का जो सिद्धांत कॉन्टारिया कॉन्टारिस क्यूरेंटर था, जिसके समर्थ डॉक्टर ने सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर को रखा था।